कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के लिए प्रथम पूज्य गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। कोटा के पाटनपोल के भेरू गुदरी में रियासत कालीन श्री मन भावन गणेश जी जलेबी वाले का मंदिर है, जहां पर भक्त भगवान गणेश को अपनी मनोकामना बताते हैं और जलेबी का भोग लगाते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद लड्डू का भोग लगाया जाता है। रियासत काल के समय ये मंदिर का निर्माण हुआ था और भगवान गणेश को विराजमान किया गया था। तब से कोटा दरबार के द्वारा सोने और चांदी के आभूषण से भगवान गणेश का श्रृंगार हुआ। हर साल गणेश चतुर्थी पर उन्हीं आभूषणों से भगवान गणेश का अभिषेक करके श्रृंगार किया जाता है और दर्शनों के लिए दिल्ली, मुंबई, जयपुर सहित कई बड़े महानगरों से लोग वहां पर आते हैं। यही नहीं, जिन युवाओं की शादी नहीं हो रही है वो भगवान गणेश को बुधवार के दिन जलेबी का भोग लगाते हैं। शादी होने के बाद जोड़े से आकर के भगवान गणेश के दर्शन करके लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके लिए बकायदा रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें 150 से भी अधिक अविवाहित के नाम जो हैं वो दर्ज हैं, जिन्होंने भगवान गणेश के सामने शादी की अर्जी लगाई, और उनमें से 90 से भी अधिक जो जोड़े हैं उनका विवाह हो चुका है। ये अपने पुराने रियासत काल कोटा का नंदग्राम के नाम से जो पाटनपोल मोहल्ला बेरुकुदरी श्री मनभावन गणेश जी महाराज विराजते हैं, तो ये करीबन 250 वर्ष पूर्व का मंदिर है। दिन गणेश चतुर्थी को इनके रजत का चांदी के जेवरा का श्रृंगार और ये जो ये अपने जो पुराने जो सामान है जो पुश्तैनी सामान है तो उनका श्रृंगार किया जाता है केवल एक दिन के लिए। जिनकी भी शादी नहीं होती है वो यहाँ पे बुधवार को जलेबी चढ़ाते हैं, तो एक बुधवार, दो बुधवार, पांच बुधवार उनकी विवाह हो जाता है। और अभी तक कम से कम 151 जोड़ों में से 98, 99, 80 के लगभग जोड़े, और ये रिकॉर्ड तो हमने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको, सिर्फ 1.5 या 2 साल हुए हैं इस रिकॉर्ड को बनाए हुए। उसका पहले का बहुत पहले से हो रही है, चल रही है, लेकिन वो हमने कि भाई रिकॉर्ड समय के हिसाब से ये रिकॉर्ड हमने अभी 1.5-2 साल से इतने इसमें जोड़े विवाह हो चुके हैं। यहाँ से बम्बई से भी एक डॉक्टर, तो बम्बई से एक डॉक्टर आई लेडी यहाँ पे आके उसने बोला कि भाई जलेबी कहाँ मिलेगी, हमने कहा पुषप जैन, तो यहाँ से उसने मोबाइल पे ही उसको ऑनलाइन जलेबी मंगवाई है। तो जयपुर से आते हैं और आसपास से गांव से सब जगह से आते ही।